ओके सो हे गाइस, वस्सलाम अलैकुम, बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, वीडियो का टाइटल हमने देख के आप समझ गए होंगे। तो गाइस, इस वीडियो में जितने बैकग्राउंड पिन जिसका मैं यूज़ करने वाला हूँ, सभी का लिंक आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। तो सिंपली आप वीडियो देखने के बाद जगह डाउनलोड कर लेना। एंड गाइस, चलिए आज की इस नई वीडियो को बिना किसी रुकावट के हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आप सभी को करना है कि आप सभी को इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसका लिंक दे दिया आप सभी को, तो वीडियो को देखने वो जगह डाउनलोड कर लेना। एंड गाइस, उसके बाद आप सभी को एक क्लॉक का पिंज ले लेना है, ठीक है? तो उस क्लॉक के पिंज को आपको कुछ इस टाइप से आप सभी को यहाँ पे लगा लेना है। एंड उसके बाद आप सबको यहाँ पे कुछ थोड़ा सा इरेज करना है इसको। तो गाइस, वो कैसे इरेज करना है मैं आप सबको बताता हूँ। पहले आप सबको इरेजर टूल में जाना है, ठीक है? एंड उसके बाद जो है आप सबको पहले तो उसको मैं फिल कर लेता हूँ। एंड उसके बाद गाइस, आपको इरेजर को सिलेक्ट करना है। उसके बाद हार्डनेस एंड ओपेसिटी को जो कम कर लेना है, साइज को बढ़ा लेना है, ठीक है? इतना कर देने के बाद आप सबको कुछ इस टाइप से दो बार पेंट करना है, कुछ इस टाइप से इरेज हो जाएगा। तो गाइस, ये लगेगा कि हाँ, ये वाटर के अंदर पहले से ही है, ठीक है? तो कुछ इस टाइप से आप सबको उसको कर लेना है, ठीक है? इस टाइप से लगा लेने के बाद आप सबको सिंपली ज़्यादा कुछ करना नहीं है, साइड में डन वाला ऑप्शन पर क्लिक करके डन कर देना है। एंड उसके बाद गाइस, आप सबको फिर क्या करना है, आप सबको जाना है यहाँ से ऐड फोटो में, ठीक है? ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस, आप सबको यहाँ पे अपने मॉडल को ऐड कर लेना है, ठीक है? तो गाइस, मेरे मॉडल का जो है बैकग्राउंड पहले से इरेज कर रखा है। जिसको बैकग्राउंड इरेज करना नहीं आता, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है दो या तीन वीडियो की, उन तीनों को आप देख लेना। बाकी आप सबको उसमें मैंने एकदम अच्छे तरीके से समझा रखा, आप सीख जाओगे बैकग्राउंड इरेज करना। तो चलिए गाइस, वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइस, यहाँ पे जो आप सभी को मॉडल कुछ इस टाइप से रख लेना है। एंड उसके बाद गाइस, आप सभी को उसके नीचे शैडो का एक पीएनजी है गाइस, ठीक है? तो आप सभी को ले लेना है। तो उसके लिए हम ऐसे ऐड फोटो में जाएंगे, एंड यहाँ से हम एक शैडो का पीएनजी ले लेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे हमने इसको ऐड कर लिया है। तो अब इसको क्या करेंगे, हम ऐड करके एंड कुछ इस टाइप से फोटो को जूम करेंगे। एंड जूम करने के बाद गाइस, आप सभी को कुछ इस टाइप से आपको शैडो को यहाँ पे ले जाना है अपने पैरों के पास, ठीक है? तो उसके बाद पहले तो हम गाइस, इस शैडो को हम थोड़ा ये तो उसको चौड़ा करना पड़ेगा, ठीक है? तो उसको हम चौड़ा करेंगे कुछ इस टाइप से। जो पॉइंट आप सभी को दिख रहा है, इसको आप सभी कुछ इस तरीके से प्रेस करते हो नीचे की तरफ लाना है। एंड कुछ इस टाइप से आपको अपने शूज़ के नीचे कुछ इस तरीके से ले जाना है, ठीक है? उसके बाद आप सभी को इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके उसको डाउन कर देना है। एंड उसके बाद देखिए गाइस, हमारी शैडो यहाँ पे तैयार है। तो अब आप सभी को आगे क्या करना है गाइस, आप सभी को पहले तो यहाँ से इसको पहले जूम करके देख लेना एकदम परफेक्ट हुआ कि नहीं हुआ। तो गाइस, यहाँ पे परफेक्ट है, तो यहाँ पे हम डन कर लेंगे। एंड गाइस, उसके बाद आप सबको फिर से जाना है ऐड फोटो में, ठीक है? तो ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस, आप सबको एक पीएनजी है गाइस, ये विगनेट का मैंने आप सबके लिए दे रखा है, ठीक है? तो आप सबको इसको कुछ इस टाइप से फुल स्क्रीन करके लगा देना है, तो ऑटोमेटिकली आपके फोटो में एकदम ऐड हो जाएगा, ठीक है? इतना कर देने के बाद आप सबको फोटो को डन कर देना है। एंड गाइस, उसके बाद आप सबको अब क्या करना है, आप सबको यहाँ से जाना है टूल्स में। तो गाइस, अभी ये जो टूल्स में जाने के बाद आप सबको एक पीएनजी और लगाना है। तो पहले हमें टूल्स का काम है, फिर उसके बाद उस पीएनजी को लगाना है, ठीक है? तो पहले हम टूल्स वाला काम को खत्म करते हैं। तो यहाँ पे एडजस्ट में जाएंगे, ब्राइटनेस को बढ़ा देंगे, इरेजर टूल में जाएंगे, ठीक है? इसको इन्वर्ट कर देंगे, ब्रश को लेंगे, इसके साइज को थोड़ा छोटा कर देंगे। एंड उसके बाद गाइस, हम फोटो को जूम करेंगे। एंड उसके बाद जो पूरी बॉडी है हम उसके ऊपर डोजन बंद करेंगे कुछ इस टाइप से, जैसे एक पेंट हम यहाँ कर लेंगे एंड वरी हम यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है? तो उसके बाद आप यहाँ पे हमें साइज को बढ़ा लेना है थोड़ा। एंड साइज को बढ़ाने के बाद एक पेंट हम यहाँ कर देंगे, ठीक है? तो हम थोड़ा इरेज कर देंगे, यहाँ पे पेंट कर देंगे और एक यहाँ पे पेंट कर देंगे, ठीक है? तो उसके बाद एक हम इस वाले लेग पे कर देंगे एंड इतना एक इस वाले लेग पे कर देंगे। एंड उसके बाद हम फोटो को जूम करके थोड़ा सा और एक इस साइड में कर देंगे, ठीक है गाइस? तो इतना कर देने के बाद आप सबको कुछ का जो अमाउंट है कुछ अराउंड आप सबको रख देना है, 11 तक कुछ रख देना है, ठीक है? तो रुक जाए गाइस, थोड़ा सा ना मेरा यहाँ पे रह गया है, तो मैं इसको पहले यहाँ पे थोड़ा इरेज कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैं इरेजर टूल में जाके जो मेरा साइड साइड में पेंट हो गया, तो इसको मेरे को इरेज करना पड़ेगा, ठीक है? तो यहाँ से इरेजर टूल में जाके इरेजर पे क्लिक करके कुछ इस टाइप से मैं साइड साइड में जो पेंट हुआ था उसको मैं इरेज कर लूँगा, ठीक है? तो यहाँ पे इसको जिस टाइप से कर लेना है। एंड गाइस, आप सबको थोड़ा आराम आराम से करना है, ठीक है? टाइम देगा बिल्कुल एंड अच्छे तरीके से, ठीक है? तो गाइस, जितनी फोटो में टाइम लगता है उतनी अच्छी एडिट होती है हमारी फोटो, ठीक है? तो आप सबको जिस टाइप से कर लेना है। एंड उसके बाद गाइस, आप सबको फिर क्या करना, आप सभी को जो लास्ट पीएनजी था जो आपको यूज़ करना था, तो उसको हम सिंपली यहाँ पे ऐड कर लेंगे। सो गाइस, हमने यहाँ पीएनजी को ऐड कर लिया। तो आप सबको करना क्या है, आप सबको इसके ब्लेंडिंग मोड जो स्क्रीन कर देना है। एंड स्क्रीन कर देने के बाद आप सबको कुछ इस टाइप से फोटो को जूम करना है, ठीक है? एंड कुछ इस टाइप से लगा देना है, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए गाइस, हमारी फोटो जो काफ़ी ऑफिसम हो चुकी है। तो अभी आपसे इसमें जो है कलर क्रिएशन के बाद पता चलेगा कि कैसी फोटो एडिट हुई है हमारी, ठीक है? तो अब हम फोटो को सेव कर लेंगे। एंड उसके बाद यहाँ से सिंपली चलेंगे बैक एंड लाइटर मैप को ओपन कर लेंगे। ओके गाइस, तो जब तक हमारा लाइटर मैप ओपन हो रहा है, और यार अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक कर देना, क्योंकि यार आपको एक लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलता है और वीडियो लाने में काफ़ी अच्छा लगता है। तो प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। और अगर आप में से कोई भी भाई चैनल पर नया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लेना, क्योंकि यार आप सभी के लिए मैं हमेशा 2 से 3 कंटेंट अपने यूट्यूब चैनल पर डालता रहता हूं। तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लेना। तो चलिए गाइस, अब हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो गाइस, यहाँ पे जो हमारी फोटो सिंपली ऐड हो चुकी है, तो अब आप सभी को करना क्या है, आप सबको सिंपली अपनी फोटो को यहाँ पे कुछ इस टाइप से ओपन कर लेना है, वो लाइटर मैप में ओपन हो जाएगी। तो उसके बाद आप सबको साइड में लाइट वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, तो उसमें हमें इस पर आना है, ठीक है? तो उसमें थोड़ी लाइटिंग एडजस्ट करनी है। तो उसके लिए करेंगे, पहले कॉन्ट्रास्ट बढ़ा देंगे, हाईलाइट है जो गाइस इसको हम थोड़ा सा माइनस कर देंगे, शेडो को बढ़ा देंगे, एंड जो वाइट है इसको हम थोड़ा माइनस कर देंगे, ठीक है? एंड जो ब्लैक है इसको हमें थोड़ा माइनस की तरफ रखना है, ठीक है? इतना कर देने के बाद आप सबको जाना कलर्स वाले ऑप्शन में।
फोटो को जो वाइब्रेशन है इसको बढ़ा देना है एंड टेम्परेचर को माइनस कर देना है एंड उसको बताना कलर्स मिक्स में ऑरेंज कलर को सिलेक्ट करना है, सैचुरेशन को माइनस कर देना है। ल्यूमिनस गाइस आपके फेस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके फेस में ब्राइटनेस है कि नहीं। फिर येलो कलर में जाना है, इसके सैचुरेशन को माइनस करना है। ब्लू कलर में जाना है, इसके ह्यू को माइनस करना है और स्काई ब्लू और डार्क ब्लू में जाना है एंड इसके ह्यू को प्लस में कर देना है, ठीक है, कुछ इस टाइप से। एंड सैचुरेशन चाहो तो कम कर सकते हो, ठीक है, तो कुछ इस टाइप से कम कर देना है एंड उसको डन कर देना है। एंड उसके बाद गाइस सबसे को करना क्या है, कलर्स के नीचे वाले टूल में जाना है एंड जो फोटो क्लियरिटी है आप सबको इसको बढ़ा देना है एंड जो फोटो में विगनेट है वो तो डालना है, ठीक है, क्योंकि यार विगनेट से अलग ही लुक आता है फोटो में। तो उसके बाद आप सबको ग्रेन अमाउंट मिलेगा उसको बढ़ा देना है एंड उसके बाद जाना है उसके नीचे वाले टूल में, फोटो की जो शार्पनेस है उसको बढ़ा देना है एंड जो नोड डायरेक्शन है आप सबको इसको भी बढ़ा देना है एंड जो कलर नोड डायरेक्शन है इसको भी आप सभी को बढ़ा देना है, ठीक है। तो जो फाइनली हमारी फोटो जो रिजल्ट आया वो आप सभी के सामने है। तो गाइस आई होप कि आप सभी को यार वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना क्योंकि यार आपके एक लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलता है यार। तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना और अगर आप में से कोई भी भाई चैनल पर ना है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। एंड गाइस नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पे लाऊं तो यार प्लीज़ यार टॉपिक मेरे को यार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो चलिए गाइस मैं मिलता हूं सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।